Hey everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ मधु, आप देख रहे हैं बॉस स्टाइल मधु। हमेशा की तरह आज हम लोग फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो पे हमने बात करी थी लव वाइब्रेशंस के बारे में, उसके सही टेक्निक के बारे में। तो चलिए आज हम लोग फिर से लव रिलेशनशिप के बारे में ही बात करते हैं, और इस बार बात होगी लेट गो के बारे में। ज़्यादातर लोग लव रिलेशनशिप्स में लेट गो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि लेट गो क्या होता है। लोगों को थोड़ा बहुत लेट गो को लेकर मिसकंसेप्शन भी है। लेट गो एक रिसीविंग मोड है। आप अब उस मोड पर अपने आप को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, उस स्टेज पर अपने आप को ले जाना है जहाँ पर आप यूनिवर्स से अपने विशेष को अपने लाइफ में रिसीव करने को तैयार हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशंस प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे दैट यू हैव दिस, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, यू डोंट टेल कि आई वॉन्ट दिस, वी से आई ऑलरेडी हैव दिस। तो जब आप बिलीव करते करते अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी थॉट्स को फीड कर चुके हो, प्रोग्रामिंग कर चुके हो, नाउ आफ्टर दैट जब आपका मैनिफेस्टेशन का पीरियड ओवर हो चुका है, आस्क करने का पीरियड ओवर हो गया, बिलीव करने का पीरियड ओवर हो गया, तो अब आप आते हैं रिसीविंग मोड पे। रिसीविंग मोड हो गया लेट गो। यही लेट गो के टाइम पे आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो विशेस अपने यूनिवर्स के सामने रखी है, इन विशेस को आपको ऐसे विजुअलाइज करना है दैट यू ऑलरेडी हैव इट इन योर लाइफ। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ हम लोग अगर लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मैं कैसे उसे अपने ख्यालों से निकालूं। लाइक व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू लव समवन ट्रूली, आपका ब्रेकअप हो गया है या वो आपका क्रश है, यू वॉन्ट हिम और हर इन योर लाइफ, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपको पैचअप करना है, तो ऑब्वियसली ना वो दिमाग से उस इंसान को निकालना इज नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे आपको लगता है कि मेरा तो लेट गो ही नहीं हो पा रहा, तो आपको बस सोच में थोड़ी सी फर्क लानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को इंगेज कीजिए दूसरे कामों में, ताकि वो थॉट्स आपके दिमाग में कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट ना रह जाए, कि आप कंटिन्यूसली उसके बारे में ही सोच रहे हो, तो ये वाइब्रेशंस क्या होगा ना, आप में ही रह जाएंगी, आप उसके तक पहुंचा रहे हो, यूनिवर्स तक नहीं जा पा रही है उस तरीके से जिस तरीके से जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले उस फ्रीक्वेंसी को कम करना होगा। उस फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए आपको अपने आप को दूसरे कामों में इन्वॉल्व करना होगा। एंड देन फिर भी तो याद आनी ही है, जब भी फ्री होगे, आराम करोगे, याद आनी है, तब क्या करें, याद करना है। याद करना है तो ऐसे करें जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर याद आती है आपको, अपने बुरे पल याद आ रहे हैं, आपको रोना सा आ रहा है, तो रुक जाइए, वहीं रुकिए और तुरंत अपनी थॉट्स को चेंज कीजिए और याद कीजिए कि आपने यूनिवर्स से क्या मांगा है। आपने अगर पैचअप मांगा है, ब्रेकअप के बारे में सोचना बंद कीजिए। अब उसके बाद याद करना है तो सपने देखकर याद कीजिए कि वो आपकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, आप उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या जो आपकी ख्वाहिश है कि आपका मैनिफेस्टेशन इस तरह से निकल के आए। तो जब भी याद आती है बिल्कुल याद करें, कोई मना ही नहीं है, बट अपनी विशेस के अकॉर्डिंगली याद करें, ना कि उसके अपोजिट। लैक नहीं आपको दिखानी है। लेट गो का मेन प्रोसेस क्या होता है कि आप अगर आस्क और बिलीव मोड को पार कर चुके हो, आपने यूनिवर्स से मांग लिया, आपने महीने भर यूनिवर्स को बिलीव कराया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कराया कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, अब रिसीविंग के मोड पर आकर अगर आप फिर से चाहिए कि पे आ रहे हो, डेस्पिरेट हो रहे हो कि मैंने सब कुछ कर लिया बट अब तक वो उसका कॉल नहीं आया, उससे मेरी बात नहीं हुई, हमारा पैचअप नहीं हुआ, तो आई एम सॉरी, आप फिर से लैक को ही शो कर रहे हो। आप खुद ही सारी प्रोग्रामिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड की फिर बर्बाद कर रहे हो, यूनिवर्स को फिर नेगेटिव मैसेज भेज रहे हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, बट हमें ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग लेट गो के फेस में आते हैं, उस फेज में आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, जब भी याद करना है अपनी विशेस के अकॉर्डिंग याद करना है कि आपका पैचअप हो चुका है, आप साथ बैठे हैं, साथ घूम रहे हैं, जो आपको आप लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो विजुअलाइज कर रहे हो, ऐसा ही करना है। आपके अपने विजुअलाइजेशन में, आपकी यादों में वो लैक नहीं आने चाहिए, ये चीज़ या ये इंसान, ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में नहीं है, बस इस बात को आप ध्यान रखिए और तब आपके लिए लेट गो का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। याद नहीं करना पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा याद रखिए कि बिल्कुल याद से निकालना, चाहे वो इंसान हो, कोई एक अपनी कोई ख्वाहिश हो, कम्प्लीटली दिमाग से नहीं निकलती है, बस हमें अपने विशेस के हिसाब से जब याद करना है, अपनी विशेस के हिसाब से याद करना है, ना कि उसको नेगेटिवली याद करना है। द ओनली पॉइंट इज दिस,
अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, लाइक मुझे जो समझ में आया मैंने आपको समझा दिया, अब और भी कुछ है जहाँ पे मुझे डिटेलिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं लेट गो पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि हर केस में आप लेट गो को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा समझने के लिए, और सारे लवर्स लवर्स के लिए थोड़ा सा प्रोसेस आसान हो जाएगा लेट गो का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।